सुहेल जी, आप यूक्रेन में पढ़ रहे थे, अब वहाँ से कैसे आए और कहाँ पहुँचे? सर वहाँ से आने में सर थोड़ी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई सर। मैं इवानो फ्रैंकविस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और सर इवानो सिटी है, वहाँ से आने में सर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी सर। हम वहाँ से रोमेनिया तक बाय बस आए, फिर उसके साथ हम 10-12 किलोमीटर पैदल चले और फिर हमने 5-6 घंटे लाइन में खड़ा होने के बाद सर रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, नहीं निकल पाएंगे। फिर सर हमने दोबारा हिम्मत करी निकलने के लिए, फिर हम फिर से लाइन में लगे, फिर 10-12 घंटे फिर से खड़ा होना पड़ा। कौन से शहर में पढ़ रहे थे आप? इवानो फ्रेंकिस नेस कौन से शहर के छात्र हैं? सेकेंड ईयर के। अच्छा, आपके साथ में कितने लोग थे? क्या परेशानी आपको पड़ी है वहाँ? सर हम जो साथ में आए थे वो 20 लड़कों का ग्रुप था, बट सर जो एक फ्लैट में आए वो 250 से 300 लोग आए सर एयर इंडिया से। क्या क्या परेशानी आपको वहाँ झेलनी पड़ी है? सर परेशानियाँ, सर जब भी सायरन बजता था, जब भी हेलीकॉप्टर जेट जाते थे सर, हम रात भर नहीं सो पाते थे। और सर सायरन बजता था सर, हमें बंकर में जाना पड़ता था बार बार, फिर उस थोड़ी देर बाद निकल कर आना पड़ता था। खाने पीने की क्या व्यवस्था थी सर वहाँ? खाने पीने में सर जैसे ही पता लगा कि अटैक होया सर, हम पैनिक की कंडीशन क्रिएट होगी बहुत ज़्यादा। और सर हमने फिर पेरेंट्स का कॉल आया कि ग्रोसरी का सामान ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्या पता कितने दिन तक जंग चले, कुछ नहीं पता था। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे सर। लोकल पुलिस ने क्या मदद करी है? क्या कुछ वहाँ परेशानी है झेलनी पड़ रही है लोकल पुलिस की वजह से छात्रों को? नहीं, सर लोकल पुलिस ने कुछ नहीं कहा, यूक्रेनियन पीपल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है सर। कोई नहीं, पुलिस ने हमें कुछ कहा है, नहीं यूक्रेनियन पीपल ने हमें कुछ कहा है। अच्छा, क्या कुछ जंग चल रही थी, ऐसा कुछ डर लगा है आपको क्या? सर जब जंग चलती है सर, सब सभी पैनिक में होते हैं, बहुत ज़्यादा डर का माहौल था सर। हम सो नहीं पाते थे रात रात भर, और सर जो बस दुआ करते रहते हैं कि हम कैसे जंग चलती है सर, सब सभी पैनिक में होते हैं, बहुत ज़्यादा डर का माहौल था सर। हम सो नहीं पाते थे रात रात भर, और सर जो बस दुआ करते रहते हैं कि हम कैसे करके घर पहुँच जाए। परिवार से जब बात करते थे तो कैसा लगता था? सब परिवार सब बहुत ज़्यादा परेशान था सर, बल्कि हम उन्हें कन्वे करने की कोशिश करते थे कि कोई कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा परेशान ना हो, जो परेशानी है वो हमें ही पता लगे। बट सर पेरेंट्स ज़्यादा कहाँ, दिन में एक फ़ोन आती थी, वो दिन में 4-4 5-5 मरतबा फ़ोन करते थे। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी पूरी तरह से छात्रों की मदद कर रही है वहाँ पर यूक्रेन में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इंडियन एम्बेसी सर मदद की है सर उन्होंने हमारी, बट उन्होंने बॉर्डर ओपन कराने में मदद की है सर। जो हम निकले हैं वो खुद से निकले हैं, हम खुद की बस हमने अरेंज करी सर, हम 10-12 किलोमीटर पैदल चले फिर बॉर्डर पहुंचे सर। बॉर्डर पे इंडियन एम्बेसी का कोई भी आदमी नहीं है सर, एक भी बंदा इंडियन एम्बेसी का नहीं है सर। जो इंडियन एम्बेसी के आदमी मिले वो हमें बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिले। अच्छा, इंडियन वहाँ पर जब आप पैदल चल रहे थे तो आपने इंडियन एम्बेसी को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की? सर हमने बहुत ज़्यादा, हम जब बॉर्डर पर पहुंचे, जब हम चल रहे थे, हमने बहुत कोशिश करी, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा सर कोई भी। पहले कह रहे कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, वहाँ पे बॉर्डर में मिलेंगे तुम्हें, तो कोई किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बहुत आपने वीडियो देखी होगी सर, वो लाइव शो कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट से? जब आप लगा गए वहाँ कुछ लोग फंसे हुए हैं, सर इंडियन गवर्नमेंट से सर बहुत बहुत मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे लिए बॉर्डर खुलवाए, हमारे लिए फ़्लाइट अरेंज करी। बट सर मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट अरेंज करी जाए सर। मेरे दोस्त सर दो दो तीन दिन से फंसे हुए हैं सर, सर वो निकल नहीं पा रहे सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पोलैंड बॉर्डर की तो वीडियो देखी होगी सर आपने। बट सर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ़्लाइट होंगी, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ बस होंगी, उतने ज़्यादा स्टूडेंट निकल पाएंगे सर। तो प्लीज़ सर PM मोदी सर प्लीज़ ऐसा करिए सर, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइटें करिए, बॉर्डर पे इंडियन एम्बेसी के आदमी होने चाहिए सर, नहीं वरना प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होंगी सर। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।